हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 40 to 50 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, आपने इसको अपना लाइफ का पार्ट बनाया होगा। और अगर आपने इसको अपना लाइफ का पार्ट बनाया है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छा ज्ञान है जो कि आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। आप इसे रेगुलर रखिए। आप चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, चाहे आप इंडिया में किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, या फिर अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब जगह पे ये सेशन है जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 15th of June, तो 15th of June का करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये सारे एग्जाम में से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 to 90% जो भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो इसी में से देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रहिए, बिंदास होकर जो है अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आज के सारे लीडिंग न्यूज पेपर, आज क्या इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट आज नहीं है, और कुछ सवाल है जो कि आज हम लोग एंड में करने वाले हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसने $600 बिलियन को दोस्तों क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपसे पूछा था कि दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि बिहारो के द्वारा स्टैब्लिश करे गए, तो उसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी दिल्ली में कौन से साल है जो कि स्टैब्लिश करी थी, तो ये था दोस्तों 1290 के अंदर स्टैब्लिश है जो कि करी थी। ओके गाइस, इसके अलावा नेक्स्ट था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो है वो साइन करी गई यूएसएसआर और यूएसए के द्वारा, ये 1972 के अंदर है जो कि करी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि अनअकैडमी को लेकर, अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको ना सिर्फ यूपीएससी एसएससी पीसीएस बैंकिंग की प्रिपरेशन, आप अपने आईआईटी, आप अपने कैट क्लैट यूजीसी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेफरल कोड पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा BHU10 या फिर गुणेश 10, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट के सारे क्लासेस, लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज, PDF, सभी सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करिएगा, उसके बाद में अपने यहाँ पे गोल सिलेक्ट करिएगा, जो भी आपका गोल है, ठीक है, जो भी आप एग्जाम फाइट करना चाहते हो, उसके बाद में प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन 12 या 24 महीने में सिलेक्ट करिए, BHU10 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आपको जीके पढ़नी है तो आप एसएससी के अंदर प्लस कोर्स ले सकते हैं, जहां पे मैं कंप्लीट जीके की प्रिपरेशन है जो कि आपको करवा रहा हूं। ये नया चैनल है, इसके ऊपर कल मैंने वीडियो लाइव कर दिया है। कल मैंने वीडियो में आपको समझाया कि 1947 में इंडिया में क्या था, 2020 में हम लोग कहां पर है, और 2050 में हम लोग कहां पर होंगे। तो तीनों को कंपेयर है जो कि मैंने किया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक दे रखा है कॉमेंट सेक्शन में, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का कोड ऑफ द डे है जो कि गौरव के द्वारा भेजा गया है। If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. तो स्टीव जॉब्स के द्वारा एक बहुत जबरदस्त बात बोली गई है कि अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर से फील आता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप आपका जो विजन है ना वो अपने आप पुल करता है आपको। ओके, कभी भी आप घंटे नहीं देखते, कभी भी आप टाइम नहीं देखते, जब आपका मन करता है आप काम करने की कोशिश करते हो, जब आपको कोई काम पसंद नहीं आता तब आप हमेशा घड़ी देखते रहते हो, लेकिन जो काम आपको पसंद होता है ना आप उसको लेकर कभी घड़ी नहीं देखते, आप बस अपना काम करते हो। आपका विजन जो होता है, सोच जो होती है, वो अपने आप आपको पुल करने का काम करती है। मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती सुबह 4:30-5 बजे उठने में, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे आपको 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ के कॉन्टेंट अवेलेबल करवाना है, तो मुझे बहुत पसंद है ये काम, है ना। इट इज नॉट बिकॉज ये मेरी ड्यूटी है, इट इज जस्ट बिकॉज आई लाइक दिस वर्क। तो इसीलिए मतलब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर मैं 2 बजे भी रात को, 1 बजे भी रात को घर पे आ रहा हूं तो भी मैं आपका करंट अफेयर कंटिन्यू रखता हूं, मतलब क्योंकि एक विजन के तौर पे इसकी शुरुआत करी गई थी वाईफाई स्टडी की, उसी के तौर पे चीजें चल रही है। एंड होपफुली जब तक इससे चीजें और बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं होती तब तक ये चीजें हमेशा चलती रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो कि आज बात करते हैं अपने दैनिक के फ्रंट पेज में। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे G7 को लेकर बात करेंगे। G7 ने कल इंटरनेट कर्व्स को लेकर और बाकी सब चीजों को लेकर डिस्कशन किया था, तो इंडिया ने भी उसके ऊपर कुछ चीजें एड ऑन करी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि इंडिया ने बोला कि भाई जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो इंटरनेट बंद करना जायज है और उसको करेंगे
तो ऐसी यहां पे बात बोली गई है। तो G7 ने अकोमोडेट्स किया इंडिया का स्टैंड इंटरनेट कब को लेकर, यानी कि माना कि चलो ठीक है तुम्हारी बात सही है। इतना मुद्दा क्यों हुआ है ये, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इंटरनेट इश्यू के ऊपर डेमोक्रेसी इन सब चीजों को कोरिलेट क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे नागालैंड इशू के बारे में बात करेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन जो है दोस्तों, महंगाई दर जो है वो 6 महीने में सबसे ज्यादा 6.3 पे पहुंच गई है। राजस्थान गवर्नमेंट दोस्तों एक वैदिक एजुकेशन बोर्ड है जो कि सेटअप करने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एलपीजे आपको मालूम है दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान जी के द्वारा 2000 में शुरुआत करी गई थी, उनकी डेथ के बाद में उनके बेटे के पास में कमान थी, चिराग पासवान के पास में, लेकिन इनके जो चाचा है यानी कि जो रामविलास पासवान के जो भाई थे उन्होंने 6 इनके पास में पूरे एमपी थे उसमें से 5 को वो लेके चले गए और खुद जो है पार्लियामेंट में इस पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पैनल के हेड है जो कि बन गए। ओके, जो यहाँ पे इनके बेटे हैं वो चाचा जी के घर के बाहर काफी देर तक खड़े रहे लेकिन चाचा नहीं मिले। ओके, तो कुल मिला के गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला जो नींद होती चीज है, चाचा मामा अलग हो गए, पार्टी बना ली, ये कर लिया, कुछ ऐसा यहाँ पे सीन हो गया। चलिए आगे बात। यहाँ पे दोस्तों यूपी के रोड एक्सीडेंट में एक जर्नलिस्ट की मृत्यु हो गई, उसने कुछ दिन पहले लिकर माफिया के खिलाफ कुछ पब्लिकेशंस किए थे और बोला भी था एक दो दिन पहले कि उसको जान को खतरा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों रोड एक्सीडेंट हो गया उसका। अब गॉड नोज रोड एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है, तो यहाँ पे बताया गया है। दिन दहाड़े मतलब इस तरीके से होना बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी दोस्तों गुजरात पहुंच चुकी है और वहां पे जिस तरीके से पहले वहां पे जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में जो रिजल्ट मिला आम आदमी पार्टी को, उससे काफी ज्यादा खुश होके अभी अगले साल गुजरात में इलेक्शन है तो सारी सीटों के ऊपर जो है आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आजकल क्या ये वो बन चुका है तरीका, ये देखिए है ना कि कोई पर भी अगर लोकली अगर आपके थोड़ा बहुत पॉलिटिक वो आ जाती है सीट, तो फिर आप क्या करते हो फुल फ्लैश से वहां पे उतरते हो, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों G7 को लेकर। देखिए इंटरनेट फ्रीडम जो है वो सब्जेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, ये गवर्नमेंट के सोर्सेस के द्वारा बताया गया। ओके, तो इंडिया ने काफी टफ नेगोशिएशन है जो कि G7 के अंदर किया है, क्योंकि G7 और उनके जो गेस्ट कंट्रीज था वहां पे ओपन सोसाइटीज को लेकर काफी डिस्कशन हुआ और ये इंटरनेट शटडाउन को लेकर वहां पे काफी क्रिटिसिज्म किया गया था। समझ गए, देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है, जब हम लोग फ्रीडम की लिबर्टी की बात करते हैं तो इंटरनेट शटडाउन बहुत ही लास्ट ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर डिस्कशन होता है, क्योंकि हमेशा ओपन रहता है। कभी शायद ही बहुत ही रेयरली सुनने में आता है होगा कि भाई उस देशों में इंटरनेट बंद हुआ है नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे फ्रिक्वेंटली इंटरनेट है जो कि बंद होता है। अगर 2014 के बाद बात करूं तो इंटरनेट शटडाउन को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया गया है। ओके, चाहे वो CAA हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे फिर वो कश्मीर मुद्दा हो, तो उसी को लेकर दोस्तों G7 ने अपनी चिंता है जो कि दर्शाई थी, उसी के जवाब के अंदर भारत ने भी साफ बोल दिया है कि भाई अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, पैरिटी देंगे इंटरनेट शटडाउन को। समझ गए, अब ये डिस्कशन की बात है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी किस चीज को कहा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी वैसे तो खैर इंटर बात होती है जब दंगे फसाद हो जाए, बहुत ज्यादा मामला हो जाए, लेकिन जब गवर्नमेंट की डिसेंट को लेकर बात होती है तब वो नेशनल सिक्योरिटी नहीं कहलाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली के अंदर जो बात हुई थी ना वो यहाँ पे यही हुई थी कि G7 कंट्रीज ने क्या बोला था कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड शटडाउन है जो कि किया जाता है। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो है वो शटडाउन करती है, उसी का जवाब है जो कि भारतीय गवर्नमेंट ने यानी कि अपने जयशंकर साहब ने जो है दिया है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे सब मुद्दा, क्योंकि अगर आप देखोगे 2016 से 18 के बीच में तो पाकिस्तान, इराक, सीरिया, टर्की सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन जो है वो हमारे देश में 154 टाइम है जो कि हुआ है। अगर आप इसके बाद में देखोगे तो 2012 के बाद से शटडाउन अगर आप देखोगे तो किस तरीके से ऊपर बढ़ता ही जा रहा है ग्राफ। ओके, और जम्मू कश्मीर में 112 दिन हुआ, राजस्थान 56, यूपी 12, हरियाणा 12, गुजरात, तो सारे के कोई भी ऐसा राज्य अनटच जो है वो नहीं है, है ना। और रिसर्चर ने बोला है कि सेंटर ने 7000 से 8000 ऑर्डर जो है फोन टैपिंग के पर मंथ है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे दिए। 16000 घंटे है जो कि इंटरनेट शटडाउन रहा 2012 से 2017 के बीच में। 12000 जो मोबाइल इंटरनेट शटडाउन कॉस्ट जो भारत को 17000 करोड़ की जो है वो पड़ी है। अगर 1 घंटे इंटरनेट बंद होता है तो नियर बाय 2 से 3 करोड़ का नुकसान है जो कि होता है, क्योंकि आपको मालूम है कितने सारे डिजिटल इंडिया का मतलब यही था। डिजिटल इंडिया का मतलब ये तो ना इंटरनेट बंद करना, उसका मतलब था कि इंटरनेट हमेशा चले, लोगों तक पहुंचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16000 करोड़ रुपए का नुकसान है जो कि यहाँ पे बताया गया है। और ठीक है, फिक्स्ड लाइन जो होती है आपकी जो फिक्स्ड डायल इंटरनेट है उससे भी 5000 करोड़ का नुकसान बताया गया है। ओके गाइस, ठीक है। और आइसलैंड, एस्टोनिया, ठीक है, कनाडा, ये कंट्री है जो कि हाईएस्ट इंटरनेट फ्रीडम है जो कि दुनिया में अवेलेबल करवाते हैं।
इसके अलावा चाइना, ईरान, सीरिया, ओके, यहाँ पे सबसे लीस्ट इंटरनेट फ्रीडम है जो कि मिलती है। चाइना के अंदर तो जैकमा के पास भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है, बाकी तो बात की बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 करोड़ का लॉस है जो कि हर एक घंटे में अगर होता है अगर इंटरनेट नहीं मिलता तो। ये सारे स्टेट के अंदर दोस्तों 2000, ये जो डाटा है 2019 का है, 19 और 20 का है, तो इतने सारे शटडाउन है जो कि राज्यों में हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मुद्दा है जो कि हुआ पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा इंटरनेट बंद है जो कि हमारी कंट्री में हुआ है, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, काफी सारे बच्चे हैं हेयर कट को लेकर बोल रहे हैं, ओके, चेंजेस होते रहने चाहिए यार, कभी बड़े कर लो बाल, कभी छोटे कर लो, कभी मिडिल रख लो, है ना कुछ तो होते रहना चाहिए चेंज, खुद को भी क्या सेम तरीके से देखकर बोरिंग फील होता है कई बार, ठीक है ठीक है, आप भी करते रहा करो कुछ चेंजेस चेंजेस तरीके से, ठीक रहता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अभी देखो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, एक स्टडी है जो कि हमारे यहाँ पे नागालैंड में करी गई, किस चीज को लेकर, बैट को लेकर, चमगादड़ों को लेकर। उस स्टडी को जो करवाया गया वो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस और साथ में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर जो कि इसको कंडक्ट करवाया। इसके अंदर जो दोस्तों ऑथर थे ना, उसके अंदर 2 साइंटिस्ट थे जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के भी थे, को-ऑथर्स थे इस वाली बॉडी के अंदर, स्टडी के अंदर। अब यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये बोला गया कि आप वायरसेस को लेते रहे हो बैट को, लेकिन इनको रखने की, इनको बायो स्टडी करने की जो इक्विपमेंट चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो आप यहाँ पे जो सबसे मेजर जो मुद्दा निकल के आता है वो निकल के आता है सेफ्टी को लेकर, समझ गए। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर ने तो ये बोल दिया कि भाई हमें तो अप्रूवल, हमने तो ICMR के द्वारा दिया ही नहीं इसको, तो NCBS जो है ना, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, उनके पास में दोस्तों ना तो कोई बायोसेफ्टी के इक्विपमेंट है, ना ही कोई बायोसिक्योरिटी के इक्विपमेंट है टेस्टिंग सैंपल के लिए, और फिर भी ये टेस्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है जो कि यहाँ पे बताया गया, इसी वजह से दोस्तों ये कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि हुआ। अब यहाँ पे देखिए फॉरन ऑथर्स का भी रोल देखने को मिला है, सैंपल के स्टोरेज के रखने को लेकर भी मुद्दा हुआ है, तो इसी को लेकर दोस्तों ये काफी मुद्दा है जो कि अभी हाईलाइट हो गया था। गवर्नमेंट ने दोस्तों काफी ज्यादा इसके अंदर कमी है जो कि नागालैंड की बैट स्टडी में देखने को मिली है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों एक वैदिक एजुकेशन बोर्ड है जो कि ये सेटअप करेंगे। जब कांग्रेस सरकार बन रही थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बोला था कि अगर हम आ जाएंगे तो हमारे लिए हम क्या करेंगे, वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे, संस्कार बोर्ड बनाएंगे, ओके। मेरे ख्याल से शायद जनता ने इस वजह से तो वोट नहीं दिया था, मतलब मैनिफेस्टो के अंदर भी क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो जो बड़े बड़े वादे होते हैं वो तो पूरे करती नहीं है, और जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जिससे जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो मैनिफेस्टो से पूरी जरूर करती है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर एक वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड है दोस्तों वो सेटअप करने के लिए बोला, जिसमें एशियन संस्कृत के स्क्रिप्चर को, वेदास को साइंस और योगा के साथ में कनेक्ट करके जो है वो पढ़ाया जाएगा। आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर इसको बना दिया जाएगा, ठीक है। कमिटी जो है वो इसमें अपॉइंट करेगी, इसका कैसे, इसका ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे फंक्शनिंग होगी, ये सारे काम है जो कि करवाए जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए तो संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 2018 के इलेक्शन के जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो क्या होता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि अगर हम जीत गए तो क्या क्या है जो कि हम लोग करेंगे, समझ गए, तो वो बात है जो कि यहाँ पे बोली गई। तो सीएम जो अशोक गहलोत साहब है उन्होंने जनवरी में भी इसके बारे में अनाउंसमेंट है जो कि किया था कि वेदास को देखो और बाकी सब चीजों को, ट्रेडिशनल ग्लोरी को हम लोग वापस से रिवाइव करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हमारे जितने भी पुरानी हिस्टोरिकल चीजें हैं उनको रिवाइव करना जरूरी है, उनको यूथ तक पहुंचाना भी जरूरी है, बताना भी बहुत जरूरी है, मतलब डेफिनेटली इसमें कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके इतिहास से अगर आपको सीखने को मिलता है, अगर आपको अच्छी चीजें जानने को मिलती है, डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आयुर्वेद और संस्कृत जो यूनिवर्सिटीज है वो एस्टैब्लिश करने के लिए बोला गया है, ओके, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 7। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे ओपन डिफेकेशन को लेकर। देखिए आपको मालूम होगा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का मतलब लोगों ने बहुत छोटा समझा था कि भाई ठीक है कचरा वचरा नहीं करना है रोड के ऊपर, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की जो मेन एम था वो था कि खुले में जो शौच जो है वो मुक्त भारत है जो कि बना दिया जाए। आपको मालूम है कि देश के अंदर 2014 तक अगर मैं बात करूं तो बहुत कम टॉयलेट्स थे, है ना, तो लोग जो है खुले में शौच करते थे, वहां से डिजीज होते थे, उसके बाद में मल्टीपल प्रॉब्लम होती थी, मतलब बहुत सारे डिजीज का बर्डन है जो कि ऐसे गांव में देखने को मिलता था। आपने टॉयलेट पिक्चर देखी है वहां पे, उसके अंदर काफी चीजें जो है वो बताई गई है। 2014 के अंदर 2 अक्टूबर को बोला गया मोदी जी के द्वारा कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग जो है ओपन डिफिकेशन फ्री है जो कि कंट्री को बना देंगे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2019 को सारे गांव
इंडिया के अंदर ODF फ्री हो गए, ऐसा दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। लेकिन अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया, उसमें बताया गया कि 18 राज्यों में सर्वे किया गया और उसमें बोला गया कि 18 में से एक भी ऐसा राज्य नहीं था जो कि 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया हो। ठीक है, जिसमें बोला गया कि भाई बिहार में तो 61% ही है टॉयलेट का एक्सेस और मिजोरम में 99% है। ओके, तो मिड 2019 के अंदर सर्वे इनिशिएट किया गया था, 2021 तक ये सर्वे है जो कि चला है। तो यही यहाँ पे दोस्तों डाटा है जो कि बताया गया कि रूरल हाउसहोल्ड की बात करें तो बिहार में 56% ही, ग्रामीण भारत में, ग्रामीण बिहार में जो है आपको टॉयलेट देखने को मिलेगा, केरला में 100% है, गुजरात में भी 70% है। ओके, अर्बन के अंदर बात करें तो बिहार में 88% है शहर के अंदर, नागालैंड में 100%। हाउस होल्ड की बात करें ओवरऑल तो बिहार के 61%, फिर गुजरात 80% के समवेयर, मिजोरम 100%। और ठीक है, SC जो शेड्यूल कास्ट के जो हाउस होल्ड है उसमें बिहार में 45% ही है, ST के अंदर भी बिहार में 46%, OBC में 60 के आसपास है। तो ये सारी जानकारी जो कि यहाँ पे दी गई है, गुजरात में भी दोस्तों इनफैक्ट 70% ही घरों के अंदर जो है वो टॉयलेट की फैसिलिटी है जो कि सर्वे में पाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा बताया गया है। ठीक है गाइस, पूरा का पूरा कि जो सरकार ने बोला था कि 2014 के 19 के अंदर के भाई हाँ सारे के सारे हो चुके हैं, अभी दोस्तों वो बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंट 2014 से पहले टॉयलेट में हुआ था और बाद में जो हुआ था वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ। अच्छा, डेफिनेटली मतलब जो रेट है ना जो ओपन डेफिकेशन फ्री होने के वो बढ़ गई थी, लेकिन जो सरकार का बोलना था कि 2019 तक हम कर देंगे वो नहीं है, अभी भी एवरेजली आपको 60-70% ही देखने को मिलेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी गई थी भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने को लेकर 5 सालों में। ठीक है, यूनिवर्सल कवरेज को लेकर 2019 में 150वीं जयंती के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों 2000 से लेकर 2017 की अगर मैं बात करूं तो साउथ एशिया रीजन के अंदर है ना 3/4 जो पॉपुलेशन है ओके वो क्या थी, 3/4 पॉपुलेशन ने क्या किया, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गई थी वो। ठीक है, उन्होंने रोक दिया था। ठीक है, यूएन की जो रिपोर्ट है गाइस उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताई गई हैं। अभी लास्ट ईयर की बात है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन जो है वो 12% ज्यादा होता है ऐसे गांवों के अंदर जहां पे खुले में शौच जो कि करी जाती है। ओके, अगर मैं यूनिसेफ की रिपोर्ट की बात करूं तो सैंपल लिए गए थे दोस्तों ओके बहुत सारे राज्यों के अंदर, उसमें बताया गया कि 2 गुना ज्यादा दोस्तों कंटेमिनेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे गांवों के अंदर जहां पे टॉयलेट्स नहीं होते हैं। ओके, पाइपलाइन की बात करें, आपके बाकी डिजीज की बात करें तो 2-3 गुना चांसेस जो कि बढ़ जाते हैं डिजीज के। ओके गाइस, तो ये जो है आपको मालूम है प्रॉब्लम ओपन डेफिकेशन की बहुत ज्यादा थी, मतलब पहले अभी भी है मतलब ओके, इससे जो बच्चे उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, वुमेन के ऊपर फिजिकल अटैक होना ओके, स्नेक बाइट होना, पुअर सैनिटेशन। ठीक है, इसके अलावा लोगों की हार्ट एंड मनी जो है वो हेल्थ के ऊपर चली जाती है, बीमारी को सही करवाने के ऊपर चली जाती है। ओके, तो लोग फिर अपना जो पैसा है वो एजुकेशन में नहीं लगा पाते, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस अगर आपने शेयर नहीं किया तो, और साथ में मैंने कमेंट सेक्शन में नया वीडियो का लिंक लगा दिया है तो देख लेना, नया वीडियो नया करंट अफेयर चैनल के ऊपर मैंने बनाया है जिसमें 1947 2021 और 2050 को कंपेयर किया है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नया इंडिया करंट अफेयर नाम से चैनल है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों संचारी विजय जी के बारे में जो कि एक बहुत ही फेमस एक्टर थे, उनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है दोस्तों। ओके, विजय 38 उम्र के अंदर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इनकी डेथ है जो कि यहाँ पे हो गई है। ओके गाइज, अपनी मूवी नेशनल अवार्ड है जो कि इनको मिल चुका था, इनकी एक मूवी थी नानू करके ओके तो वहां उसके अंदर इन्होंने ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था और बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया था, कुछ साल पुरानी पिक्चर है, उसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी जो है वो मिला था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 9 पे। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, एक तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है राम ट्रस्ट को लेकर, जमीन को लेकर बोला जा रहा है कि 2 करोड़ की 18 करोड़ में जमीन खरीदी गई है, तो इसको लेकर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि चल रही है। ट्विटर पे आप देखोगे आए दिन का ट्रेंडिंग होता रहता है, दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे को अक्यूज कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं, तो हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना वो है दोस्तों ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया सिप्री के द्वारा कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान ये 3 देश है जो कि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो अपने न्यूक्लियर, देखो
आपको मालूम है दुनिया में क्या हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, कोल्ड वॉर का टाइम खत्म हुआ था, तो धीरे धीरे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, सिप और भी बहुत सारी, यूएन है, उन सब ने बोला था कि भाई जितने भी न्यूक्लियर वेपर है ना उनको कम किया जाए दुनिया में, ताकि नुकसान, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अभी यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि सिप्री की रिपोर्ट के अंदर कि चाइना जो है वो भी मॉडर्नाइजेशन कर रहा है न्यूक्लियर वेपन की इन्वेंट्री का, और इंडिया और पाकिस्तान भी दोस्तों क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपेंड करने का काम कर रहे हैं। तो सिप्री की 2021 की ईयर बुक के अंदर ये जानकारी दी गई है। ओके, जिससे ओवरऑल जो ग्लोबल मिलिट्री जो स्टोरेज है न्यूक्लियर वेपन्स का वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत ही वरिसम साइन है जो कि बताया गया है। हालांकि कुछ सालों से डिक्लाइनिंग ट्रेंड है जो कि देखने को मिला था। ओके गाइज, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया के पास में 156 न्यूक्लियर वॉरहेड है 2021 के स्टार्टिंग में, हालांकि लास्ट ईयर 150 थे, ठीक है। वाइल पाकिस्तान के पास में 165 बताए जा रहे हैं प्रेजेंट में, जो कि लास्ट ईयर इसके पास 160 थे। चाइना के पास में 320 थे, इसने भी बढ़ा के 350 कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दुनिया में 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें यूएसए, रशिया, यूएसए और रशिया की बात करें तो दुनिया के 90% जो न्यूक्लियर बम है वो इन्हीं के पास में है। उसके बाद में आते हैं आपके 10% में यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ओके, सबके पास कितने हैं इसकी जानकारी है, लेकिन इसराइल के पास कितने हैं ये किसी को जानकारी नहीं है। इसराइल से पूछो तो वो ये बोलता है जब युद्ध होगा तब बताएंगे। यार ये कोई जवाब हुआ मतलब, ठीक है। तो पूरी दुनिया में दोस्तों 13,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन है जो कि बताए जाते हैं, जिसमें से 90% तो यूएसए और रशिया के पास ही देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन के द्वारा ये रिपोर्ट है जो कि दोस्तों जारी है, जो कि करी गई है। ओके, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, हालांकि खैर वैसे आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया को लेकर, इंडिया के जो नंबर्स है वो पाकिस्तान से कम है थ्योरिटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान से। हम लोग जो है अपने जो नंबर्स है वो रियल नंबर्स कभी नहीं बताते। ओके, बिकॉज वी आर ऑलवेज ए पीस लविंग नेशन, हम कभी भी हथियारों से जो है कुछ भी चीज़ को अचीव नहीं करना चाहते, और सही भी है मतलब, इसीलिए हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी भी हमने निकाली थी कि अब कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन पहले यूज़ नहीं करेंगे। ओके, हालांकि चाइना ने भी बोला था, न्यू फर्स्ट यूज चाइना ने भी बोला, नहीं चाइना के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन यस हमारे ऊपर जो है, हालांकि जो मैनन साहब थे जो पहले जो है उन्होंने मना किया था, जो चीफ अपने सिक्योरिटी एडवाइजर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने मना किया था कि नो फर्स्ट यूज हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है जो कि हमने रखी थी। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि रशिया के पास अगर देखोगे तो 125% चेंज देख, 125 का चेंज देख, देखो टोटल नंबर देख लो आप तो, ठीक है। देखिए रशिया के पास 6,000 से भी ज़्यादा, यूएस के पास में 6,500 है, चाइना 320, फ्रांस 300, यूके 215, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, इसराइल के पास में नंबर एम्बिग्यूएस है, ये नंबर ऐसे दिया हुआ है, नॉर्थ कोरिया के पास में 40 है। ये जो तीनों देश है ना, इन तीनों के पास में एक दूसरे से पहुंचे हैं, चाइना ने दिया पाकिस्तान को और चाइना के दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एक अब्दुल कादिर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया किसको, नॉर्थ कोरिया को। और सच बात यह, ये तीनों देश ही जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट जो है पूरी दुनिया में इन्हीं से है ना, ये सिरदर्द है मतलब। ये पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का तो यह हाल है कि भाई हम तो डूबे शर्म तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो इनको तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है डेवलपमेंट से, और जो डेवलपमेंट कर रहे हैं है ना उनको और ये पीछे खींच लेंगे 50 साल, कल को कुछ हो गया तो आप देखोगे डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है दोस्तों वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आपको फ्रांस का देखने को मिलेगा, बाकी जगह आपको चाइना, यूके, पाकिस्तान है और इंडिया, यहाँ पे आपको नॉर्थ कोरिया यहाँ पे ऊपर जाता हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सारे दुनिया में कंट्रीज हैं, मैक्सिमम ये देखिए रशिया और वहां पे यूएसए, ठीक है गाइस। ओके, आगे बात करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस को लेकर दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इन्फ्लेशन को लेकर ही बताया गया है कि फ्यूल और फूड प्राइसेस के बढ़ने की वजह से महंगाई जो है वो बहुत ऊपर हो गई है। आरबीआई ने बोला था कि हम 6% तक रखेंगे, लेकिन 6.3 तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो यहाँ पे बताया गया है। नोवावैक्स करके नई वैक्सीन है दोस्तों, नोवावैक्स करके ये एसएसआई के साथ मिलकर इंडिया में वैक्सीनेशन बनाएगी, 90% एफिशिएंसी इसकी बताई गई है। कहाँ की है, यूएसए की है। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और अगर कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पे एक और न्यूज है विश्वनाथन आनंद ने दोस्तों chess.com पे एक अक्षय पात्रा फाउंडेशन के लिए अभी यहाँ पे एक चैरिटी मैच जो कि खेला था कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ में, जिसमें आमिर खान, यजुवेंद्र चहल और भी कई सारे लोग थे, सेलिब्रिटीज थे, उन सबके साथ एक साथ
है ना, यहाँ पे निखिल कामत करके जरोदा जो एप्लीकेशन है उसके फाउंडर थे, तो चार पांच लोगों के साथ में खेल रहे थे, एक साथ सबको हरा रहे थे, सबको हरा दिया, आमिर खान को हरा दिया, चहल भी नेशनल प्लेयर है चेस का, उसको भी हरा दिया, दो चार लोग और भी थे बड़े बड़े, दो चार लोग और थे उनको भी हरा दिया, लेकिन यहाँ पे जरोदा के जो फाउंडर है निखिल कामत, उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के हेल्प से आनंद को हरा दिया। उसके बाद में ट्विटर पे भी डाल दिया कि भाई मैंने जो है वो ऐसे करके जो है हराया है। उसके बाद में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, आनंद भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुए कि ये कोई तरीका नहीं खेलने का, मतलब दिस एंड दैट, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई इसके अंदर, मतलब चलिए इसलिए ये सब चीज़ें चलती रहती है ट्विटर के ऊपर। चलिए ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जम्मू कश्मीर को एक्टिविज्म को लेकर बताया गया है, और तो कुछ याद यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मोदी जी के एक स्टेटमेंट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइज, अभी दोस्तों क्या हुआ है कि यूएन की एक हाई लेवल डायलॉग हुआ था, किसके ऊपर, लैंड डिग्रेडेशन को लेकर, डेजर्टिफिकेशन को लेकर था कुल मिला के। कुल मिला के ये किसके ऊपर हुआ था, डेजर्टिफिकेशन को लिया था। आपको मालूम है दुनिया में डेजर्ट बढ़ रहे हैं, ग्रीनरी कम हो रही है, तो यूनाइटेड नेशंस का हाई लेवल डायलॉग था डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, इसके ऊपर डायलॉग था। तो यहाँ पे मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था, तो मोदी जी ने भी यहाँ पे दोस्तों अपनी स्पीच दी, जिसमें बोला गया कि 2030 तक हम पता है क्या करेंगे, 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रीस्टोर है जो कि करेंगे, 26 मिलियन लैंड को वापस से डेजर्ट से ग्रीनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये बात यहाँ पे मोदी जी के द्वारा बोली गई, ठीक है। और हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे, जिसके अंदर हमारी रिसेंटली रैंकिंग आई थी, जिसमें हम लोग आगे बढ़ने के बजाय दो स्थान पीछे चले गए, यानी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पास में नहीं जा रहे, उससे दूर जा रहे हैं, मतलब ऐसी हालत है। और 2.5 से 3 बिलियन जो कार्बन के, जो कार्बन सिंक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम लोग सिंक करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कमिटमेंट है जो कि यहाँ पे दी गई है, ध्यान रखिएगा, इसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोला गया है ना, दिल्ली डिक्लेरेशन भी जो है इसको 2019 में नाम दिया गया था। अब आपको पेपर में जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि भाई 2030 तक का कितना टारगेट है, जो कि यहाँ पे रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में इंडिया के द्वारा किया गया है। तो ये 26 मिलियन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि दोस्तों मोदी जी आपको मालूम है कभी भी आते हैं ऐसे तो वो क्या एक की चार बोलते हैं, हालांकि देखो हमें तो याद करना जरूरी है, लेकिन जो इंडिया का टारगेट था वो 5 मिलियन का था, 5 मिलियन हेक्टेयर का था, मोदी जी ने यहाँ पे 26 मिलियन कर दिया, वो कहानी अलग है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसरो ने दोस्तों एक मैप भी जारी किया था डेजर्टिफिकेशन किस तरीके से बढ़ रहा है, 2016 में डाटा भी जारी किया था, एटलस जारी करी थी कि इस वाले टाइम पीरियड पे हमारे देश में कितना डेजर्टिफिकेशन हो चुका है। ओके, स्टेट वाइज भी इसमें डाटा जारी किया गया था। हमारे यहाँ पे दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो स्थिति काफी चिंताजनक है, 30% जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ना, ओके, वो डेजर्टिफिकेशन या डिग्रेडेशन वाले प्रोसेस के ऊपर है। जब डेजर्टिफिकेशन होता है तो बहुत नुकसान होता है, आपके पास में खेती बाड़ी वाली जमीन जो है वो खत्म हो जाती है, आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, लोगों के पास में जो छोटा मोटा रोजगार होता है वो भी कम हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी 6.5% है जो कि डेजर्टिफिकेशन वाली लैंड है जो कि जा रही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आसपास अपने जो है पेड़ पौधे लगाया करो, उससे काफी बेनिफिट मिलता है। अगर हर आदमी अपने जीवन में ये सोचे ना कि मेरे को 10-20 पेड़ लगाने हैं, तो सोचिए कितने पेड़ है जो कि देश में लग जाए और कितना अच्छा एनवायरनमेंट है जो कि क्रिएट हो जाए। ज्यादा पेड़ होते हैं तो गर्मी में भी देखो शांति मिलती है आपको, कुछ ना कुछ उससे प्रोटेक्ट भी मिलता है, ओके, अच्छा लगता है आपको, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, साउंड पॉल्यूशन कम होता है, 50 चीजें यार, एयर पॉल्यूशन कम होता है। तो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2019 की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया 30% जगह ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है, 82% जिसमें से 9 राज्यों के अंदर है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, JNK, कर्नाटका, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे एरिया आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइज। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कई सारे इंस्टीट्यूट भी है जो कि उसके ऊपर काम करते हैं, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, ओके, वैसे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में, सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, तो ये सब जो है इसके ऊपर काम करने का काम करते हैं, समझ गए मेरी बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 से 2030 का जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था आने वाले 10 सालों के लिए कि हम हमारी जमीन को फर्टाइल बनाएंगे, ओके, वो कितने का, 5 मिलियन का था, तो मुझे भी 5 मिलियन ही याद था, लेकिन जब मोदी जी ने 26 मिलियन बोला तो मेरे को भी लगा यार गलत पढ़ाई का मैंने, फिर थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ में आया कि 5 मिलियन हेक्टेयर ही था। तो ये हमने क्या किया था, बॉर्न चैलेंज है जो कि किया था, अच्छी बात है वैसे कि जो है अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो रखना। देखो अगर आप सोचोगे ना कि मुझे 2 किलोमीटर भागना है और दिमाग में आप रखो कि 5 किलोमीटर भागना है,
तो आप 2 किलोमीटर इजिली भाग जाओगे। तो एम्बिशियस टारगेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप 5 मिलियन का अचीव करना चाहते हो तो दिमाग में 10 मिलियन लेके चलो, लेकिन उसको करना भी जरूरी होता है। ये जरूरी है कि उसको अचीव भी किया जाए। तो बॉर्न चैलेंज के अंदर क्या हुआ था कि 150 मिलियन एक्टर पूरी दुनिया ने बोला था कि हम इसको 2020 तक रिस्टोर करेंगे और 350 मिलियन 2030 तक है जो कि हम लोग अचीव करेंगे। तो कॉप की जो कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज है पेरिस में मीटिंग हुई 2015 में, जिसने हमने क्या इसको बॉर्न चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और हमने बोला था कि हम 13 मिलियन तो 2020 और एडिशनल 8 मिलियन 2030 तक हम लोग अचीव करेंगे। बाद में गवर्नमेंट ने इसमें 10 सालों का टारगेट 5 मिलियन रखा था। ठीक है गाइज, तो गवर्नमेंट ने इसको लेकर कई सारी स्कीम भी निकाली है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, ये सारे जो है लैंड डिग्रेडेशन के लिए स्कीम है जो कि निकाली गई है। समझ गए मेरी बात। और अगर इसके कारण जाने जाएं तो देखिए, पुअर प्रैक्टिसेस इसका मेजर कारण है, सॉइल इरोजन इसका कारण है, वेजिटेटिव डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, कल्टीवेशन जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली हो रहा है और जब आप पेड़ काटते हो तो उतने ही आपको लगाने भी चाहिए, इनफैक्ट डबल लगाने चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ओके, ओवर ग्रेजिंग जो होती है, ये सारे कुछ कारण है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और जो है कल बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिला, वो हमें देखने को मिला अडानी जी को लेकर। कल पता नहीं किसने अफवाह फैला दी कि अडानी जी के जो कुछ एक इन्वेस्टर्स हैं, टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। ये सुनते ही दोस्तों अडानी जी ने कोई मेरे ख्याल से 1000 करोड़ का नुकसान है जो कि उनको कल एक दिन के अंदर हो गया। उनके कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स हैं वो नीचे जमीन के ऊपर गिर गए। आप देखोगे टोटल मिला के अगर बात करें 25% तक का दोस्तों क्रैश है जो कि यहाँ पे हो गया। तो NSDL ने दोस्तों ये रिपोर्ट्स आई थी कि NSDL जो है उसने कई सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है जो कि मेजर इन्वेस्टर है जो कि अडानी के माने जाते हैं। ये सुनते ही मतलब क्या हुआ, सारे के सारे स्टॉक नीचे चले गए। और आप देखोगे अडानी एंटरप्राइजेस के 5% गिर गए, अडानी पोर्ट के 4% गिर गए और भी कई सारे कंपनियों के गिर गए। और फिर बाद में जो है गौतम अडानी ने जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने अफवाह है जो कि ये फैलाई है, हमारे 3 फॉरेन फंड जो थे जो टॉप शेयर होल्डर माने जाते हैं उनके अकाउंट फ्रोजन नहीं हुए और ये रिपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेक है। तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान है जो कि यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है गाइस, तो रिटर्न कंफर्मेशन है जो कि यहाँ पे दिए गई 3 फॉरेन फंड्स को लेकर जो कि टॉप शेयर होल्डर माने जाते हैं उनके अकाउंट नहीं हुए। इनफैक्ट जो NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, उसने भी दोस्तों ये बोला कि हमने फ्रोज नहीं करे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कल जो है देखने को मिला। अब अकाउंट नीचे चले गए हैं तो बहुत सारा पैसा भी जो है वो और लगेगा अडानी के अंदर, लोग और भी पैसा लगाएंगे। ठीक है, चलिए, मतलब पता नहीं क्यों अडानी अंबानी के जो कंपनी है ना उस पर काफी ट्रस्ट होता है, लेकिन पता नहीं क्यों अडानी की जो कंपनीज है उनके ऊपर ट्रस्ट का थोड़ा सा एक फैक्टर है। मतलब एक बहुत मेरे भी काफी क्लोज वन जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि अडानी के जो शेयर जो बबल है वो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। मतलब उनका चेहरा देखते ऐसा लगता है कि यार कोई ट्रस्ट वाली फील नहीं आती। अनिल मुकेश अंबानी के फील आती है, मुकेश अंबानी, टाटाज, बिरलाज, उनके क्या एक फील आती है, ट्रस्ट की फील आती है उनकी कंपनीज के अंदर, जेन्युइनली ब्लू चिप कंपनीज लगती है वो। पता नहीं क्यों अडानी को देखते ऐसा लगता है कि यार पैसा डूब नहीं जाएगी। हालांकि बहुत खतरनाक रिटर्न है जो कि अडानी जी ने दिया है पिछले 1-2 सालों के अंदर, जो भी उनके इन्वेस्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, बहुत जबरदस्त जो है दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, भारती के वन वेब को लेकर। देखिए ये जो वन वेब कंपनी है ना बहुत ही खतरनाक कंपनी है, दुनिया में क्या करना चाहती है, बहुत सारी सेटेलाइट लगा के पूरी दुनिया में इंटरनेट अवेलेबिलिटी करवाना चाहती है, चाहे वो फिर कोई आपका अलास्का वाला एरिया हो, चाहे आपके नॉर्डिक कंट्रीज हो, चाहे आपके ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, इसको लेकर काम करती है। हालांकि कंपनी की हालत बीच में बहुत खराब हो गई थी, बैंकक्रप्ट होने वाली थी, लेकिन भारतीय एयरटेल ने भी काफी पैसा लगाया है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी रिसेंटली दोस्तों क्या है कि ये ग्लोबल स्पेक्ट्रम या ग्लोबल लाइसेंस को लेकर दोस्तों डिमांड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो टेलीकॉम ऑपरेटर टेक्नोलॉजी प्लेयर जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को लेकर बात हो जा रही है कि ग्लोबली जो है वो चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि डेवलप करना चाह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है। ये लोग क्या चाह रहे हैं कि 650 के आसपास सैटेलाइट है जो कि भेजेंगे। ओके, अभी तक नियर बाय 250 के आसपास है जो कि भेज चुके हैं और इससे ये लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अलास्का, यूरोप के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो कि अवेलेबल करवाएंगे। इंडिया के अंदर भी दोस्तों एंड ऑफ दिस ईयर के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। एक बॉक्स को ड्रॉप करेंगे, उससे वाईफाई स्पॉट है जो कि कनेक्ट करके सैटेलाइट से
कनेक्शन करेंगे, जिससे रिमोट और हिली रीजन के अंदर भी सर्विसेज अवेलेबल करवा सकते हैं। अभी कैसे आता है इंटरनेट? अभी तो समुद्र के रास्ते से आता है इंटरनेट, तार आते हैं, फिर आपके लैंड पे पहुंचते हैं, फिर वहां से तार जाते हैं, फिर आपके सिटी में तार जाते हैं, फिर वहां से आपके घर पे ब्रॉडबैंड आता है, ऐसे तो होता है। लेकिन अभी ये सैटेलाइट ट्रांसमिशन से क्या होगा, जो पहाड़ी एरिया है, जो रिमोटली बहुत ही एक्सेसिबल एरिया नहीं है, वहां पर भी इंटरनेट अवेलेबल सैटेलाइट के माध्यम से करवा सकते हैं। गूगल ने भी गूगल लून नाम का एक प्रोजेक्ट था, याद है ना, एक गुब्बारा छोड़ के पूरे एरिया के अंदर 30-35 किलोमीटर तक इंटरनेट अवेलेबल करवाना, कुछ उसी प्रकार का ये इनिशिएटिव है। 2012 में इसकी शुरुआत करी गई, पहले इसका नाम था वर्ल्ड व्यू सैटेलाइट, और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ग्लोबल कंपनी है, सीईओ उसके नील है। अब देखिए, यूके की गवर्नमेंट के पास में 42% स्टेक है, भारतीय एंटरप्राइजेस के पास में 42% है, सॉफ्ट बैंक के पास में 13% है, और एक और है नेटवर्क सिस्टम 2.6 है। तो इस तरीके से ये सारे शेयर होल्डर्स हैं, इसके ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं जनसत्ता की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्चा तेल और महंगाई ने लगाई ऊंची छलांग। ओके, आपके जो रिटेल इन्फ्लेशन है दोस्तों, जो आप सामान खरीदते हो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, उसका एग्जाम्पल आपने तेल देखे होंगे, जो आपके नॉर्मल तेल आते हैं उनकी तो रेट 40-50% है जो कि बढ़ गई है। ओके, मतलब बहुत ही बुरी हालात है, मतलब महंगाई के तो राइट नाउ। ठीक है गाइस, इसके अलावा तो खैर कोई, ये देखिए भूमि शरण के कारण दुनिया का 2/3 हिस्सा जो है वो प्रभावित है मोदी जी के द्वारा। अडानी समूह ने कहा खातों पर रोक की खबरें गलत। ठीक है, तो ये सारा का सारा है इसके अंदर, जो है एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जनसत्ता में, जो कि है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो कि हर मंथ दोस्तों आईसीसी के द्वारा दिया जाता है एक पुरुष और एक महिला को। पुरुष में इस बार दोस्तों मुजफ्फर, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान जो है मुजफ्फर रहीम, और स्कॉटलैंड की जो ऑलराउंडर है कैथरीन, इन दोनों को दोस्तों मई का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइज, और मुजफ्फर ने इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 वनडे खेले, जिसमें इन्होंने काफी अच्छी यहाँ पे रन है जो कि बनाए हैं। अगर आप देखोगे जब से स्टार्टिंग हुई है, तो सबसे पहले ऋषभ पंत, अश्विन, भुवनेश्वर, तीन लगातार बैक टू बैक इंडियंस को मिला, फिर बाबर आजम, और उसके बाद में रहीम। इस तरीके से प्लेयर के अवार्ड है जो कि मिले हैं। आगे बात करते हैं, ईएसए ने लॉन्च किया है दोस्तों ऑर्बिटर टू स्टडी वीनस। तो अभी रिसेंटली आपको मालूम है जो नासा ने ये बोला था कि हम 2 मिशन लॉन्च कर रहे हैं और हम लोग वीनस को स्टडी करेंगे क्या, ठीक है गाइस। और इसी वजह से अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी दोस्तों बोल दिया है कि 2030 तक हम भी क्या करेंगे, वीनस के ऊपर स्टडी करेंगे, और एन विजन है जो कि इस प्रोग्राम का नाम है जो कि उन्होंने रखा है, ठीक है गाइस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, चलिए ओके, यहां पे आप देख सकते हैं ये डेविनसी और वेरिटस नाम के 2 मिशन है जो कि नासा ने अनाउंस करे वीनस को लेकर, और ये 2030 तक है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी काम करेगी। वीनस हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, वैसे कह रहे, देखो एक फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट, वैसे देखने में सुनने में तो आपको वीनस लगता है क्योंकि वीनस हमारे बाजू में है, लेकिन अगर हम लोग जेनरली प्रैक्टिकली बात करें तो फैक्ट के ऊपर तो मरकरी हमारा अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि इनका राउंड नहीं होती ना, इनकी ऑर्बिटल जो होता है इनका जो, ठीक है, पाथवे होता है, तो एक ऐसा वक्त जो मैक्सिमम टाइम तक जो है मरकरी अर्थ के जो है सबसे नियरेस्ट है जो कि रहता है, समझ गए। तो कभी गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ओके वीनस नहीं है, लेकिन देखने में वीनस लगता है क्योंकि पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, ठीक है गाइज। चलिए, तो इसका जो साइज और कंपोजिशन जो है वो काफी अर्थ के सिमिलर है, इसके लिए दोस्तों इसके ऊपर रिसर्च करने की बात करी जा रही है। हालांकि हमारे अर्थ के जैसा यहाँ पे हैबिटेबल क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है वीनस के ऊपर, सल्फ्रिक एसिड के क्लाउड देखने को मिलते हैं, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एमजे सन, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जॉर्डन या माइकल जैक्सन, जो भी आपको पसंद है, फिर एस यू एन सन। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इस तरीके से इसका ऑर्डर याद कर सकते हैं आप। ये है दोस्तों अपना वीनस और ये बाजू में अपनी अर्थ। अगर आप देखोगे तो कंपोजिशन काफी सिमिलर है, रेडियस 95%, मास 82%, डेंसिटी 95% और ग्रेविटी भी 90% है, तो सिमिलर कंपोजिशन की वजह से हम इसकी स्टडी है जो कि कर रहे हैं। इनफैक्ट जो अपना इंटीरियर एरिया है वो भी सिमिलर है, हमारे यहाँ पे कोर होता है, फिर उसके बाद मेंटल आता है, फिर क्रस्ट आता है, उसी प्रकार से दोस्तों मार्स वीनस के ऊपर भी सेम फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का आपको ब्राइट प्लैनेट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, रात के अंदर आगे बात करते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको मालूम है 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, है ना, तो जो कि चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5 देशों को जो है इलेक्ट किया गया है रिसेंटली वोटिंग के द्वारा जनरल असेंबली के अंदर। ओके, 2 साल का इनका टेन्योर है जो कि 2022 से स्टार्टिंग है जो कि होगा।
तो यहाँ देखिए 15 मेंबर होते हैं इसके यूएनएससी के, जिसमें से 5 परमानेंट है, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, जिनको अपन P5 बोलते हैं, जिनके पास में वीटो पावर भी है, ओके, इनके पांचों के रजामंदी के बिना कुछ चीज नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर देखिए इंडिया भी है 2022 तक, आपको मालूम है, और ये सारे कंट्रीज है जिसमें से 5 कंट्री का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो ये 5 नए हैं जो कि यहाँ पे आने वाले हैं, उनका नाम यहाँ पे बताया गया है, ठीक है गाइस। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए 2 साल का टेन्योर है जो कि यहाँ पे होता है, और कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि 3 सीट होगी अफ्रीका से नॉन सिक्योरिटी काउंसिल में, 2 होगी लैटिन अमेरिका कैरेबिया से, 2 एशिया पैसिफिक से, 2 वेस्टर्न यूरोप से, और 1 ईस्टर्न यूरोप ग्रुप से, समझ गए। और इसमें क्या होता है, जो गल्फ है ना उनको भी सीट मिलती है, वो ऑल्टरनेटिवली मिलती है, जो मीना कंट्रीज जिनको अपन कहते हैं मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं, उसमें एक बार अफ्रीका एक बार एशिया, यहाँ से लिया जाता है उनका सीट, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोस्तों बासमती राइस को लेकर काफी बड़ा इश्यू है जो कि यहाँ पे चल रहा है। देखिए आपको मालूम है इंडिया ने अप्रोच किया था यूरोपियन यूनियन काउंसिल को क्वालिटी स्कीम को, ओके, जिसमें GI टैग का स्टेटस है जो कि इंडिया की बासमती राइस को दिया गया है। देखो बासमती राइस पूरी अक्रॉस द ग्लोब बहुत फेमस है, आपको मालूम है यूरोप अमेरिका पूरी दुनिया में बहुत कंज्यूम करी जाती है राइस, बासमती राइस स्पेशली, और इंडिया को GI टैग है जो कि इसका मिला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी बासमती राइस उगती है, तो पाकिस्तान बोला भाई हमारे वाले को भी GI टैग दो, ताकि लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बासमती राइस का इंडिया ही है, और यूरोपियन यूनियन ने भी दोस्तों अथॉरिटी दी थी बासमती के टाइटल को लेकर। अब पाकिस्तान ने भी दोस्तों इसको लेकर जो है बोला था वहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ पर भी होता है तो हमें भी अवेलेबल करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे जो भी गंगा वाला जो एरिया है ना, हिमालय के फुटहिल्स, यहाँ पे बासमती राइस काफ़ी होती है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इस एरिया में प्रोडक्शन है जो कि होता है, ठीक है गाइस। पाकिस्तान के अंदर भी जो चेनाब वाला, जो रावी वाला जो एरिया है ना, कलार ट्रैक्ट वाला, वहाँ पे दोस्तों बासमती राइस देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वैल्यू और डिमांड है जो कि देखने को मिलती है, और इसीलिए मध्य प्रदेश ने भी बोला था कि भाई हमारे यहाँ पे भी हम भी उगाते हैं तो हमें भी जो है इसका राइट दिया जाए, ओके। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इंटरनेशनली इंडिया का अगर GI का टैग मेंटेन रहता है तो उससे हमें बहुत मदद मिलती है एक्सपोर्ट करने में, अदरवाइज क्या होगा, चाइना भी क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ा के बासमती के नाम पर भेज देगा, है ना, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस ऑन सरफेस ऑफ पेशेंट रूम्स। तो देखिए जब भी कोई पेशेंट आता है कोरोना वायरस वाला, तो आसपास आपको मालूम है हाथ भी लगाता है रूम के अंदर, तो सरफेस के ऊपर कितने टाइम तक दोस्तों कोरोना वायरस रहता है और उससे कितना इन्फेक्शन होने की चांसेस है, उसके ऊपर रिसेंटली स्टडी है जो कि करी गई थी, जिसमें कुछ पेशेंट के को जहाँ पर रखा गया ना उसके आसपास के एरिया के सैंपल है जो कि कलेक्ट करे गए थे, और जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उनके ऊपर भी स्टडी करी गई कि इनको सरफेस से कितना कोरोना वायरस हो रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों एंड ऑफ द डे ये निकल के आया कि जो इन्फेक्टेड सरफेस होते हैं ना, इससे दोस्तों कोरोना वायरस होना बहुत ही रेयर है। किसी की किस्मत ही खराब हो तो उसके हो जाए तो बात अलग है, बाकी होने के चांसेस बहुत कम है। आज के दिन की इतिहास की बात करें तो दोस्तों 1947 में माउंटबेटन प्लान को दोस्तों एक्सेप्ट करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोला। 58 में सीवी रमन जी को लेनिन प्राइज मिला क्रेमलिन रशिया में। 1995 के अंदर RBI ने अनाउंस किया ऑम्बड्समैन बैंकिंग के लिए, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने, अगर आपको बैंकिंग में किसी भी मैनेजर से किसी भी एम्प्लॉय से प्रॉब्लम है तो जो बैंकिंग के जो ऑनलाइन अगर आप नंबर देखोगे मेल करोगे ना अगर उनके ग्रीवेंसेस को, तो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत जल्दी सुनवाई होती है और इसलिए बैंक वालों को काफ़ी डर भी लगता है। चलिए 1807 में नेपोलियन फ्रांस के ट्रूप ने दोस्तों रशिया को हराया था। 1951 में रशिया अमेरिका में पहला कमर्शियल कंप्यूटर है जो कि लॉन्च हुआ। तो ये कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नया चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने कमेंट के अंदर वीडियो डाल दिया है, देख लेना, मैंने नया वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 1947, 2021 और 2050 को कंपेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन में फिर से आएगा, ओके, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो आपको इस वाले चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसका लिंक आपको अभी मैंने कमेंट में डाल रखा है और साथ में वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप BHU10 रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको PDF इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के सारे क्लासेस मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, उसके अलावा आपको यहाँ पे SSC, UPSC, GATE जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, CAT, CLAT आप कर सकते हैं। अपना गोल सेलेक्ट करके प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन 12 या 24 महीने सेलेक्ट करिए, नीचे BHU10 है जो कि आपको लगाना पड़ेगा।
ठीक है, BHU 10 लगाएगा तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और सारी PDF सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। EMI के माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट GK पढ़नी है, अगर आपने पहले मुझसे नहीं पढ़ी, आप एक बार पढ़िए, आपकी PCS तक की तैयारी है जो कि सारी हो जाएगी। PDF सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सारे कंप्लीट सब्जेक्ट है जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। आज का पहला सवाल है आपका, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपनी जांच की घोषणा करी है। अगला सवाल है, सीवी रमन को क्रेमलिन में किस वर्ष लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, G7 के अंदर कुछ कंट्रीज को एक गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया, इंडिया साउथ कोरिया के अलावा किसको और है जो कि यहां पे इनवाइट किया गया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, जापान में से। RBI ने अनाउंस किया है दोस्तों ओम्बड्समैन टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस, कौन से साल में दोस्तों किया गया था कस्टमर के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने यूरोपियन यूनियन काउंसिल को अप्रोच किया था कौन सी वैरायटी ऑफ राइस के लिए, ये आपको बताना है। PGI बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टेड जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।